फिर से वही सपना देखा क्या? हाँ, घर पे अटैक हो रहा था, सब लोग यहाँ बाहर दौड़ रहे थे, डरे हुए, अंधाधुंध गोलियां चल रही थी, सजे हुए घर की धज्जियां उड़ रही हैं, कभी कभी सपने सच्चाई के कितने करीब आ जाते, नई जिंदगी, नया घर, नई खुशियां, सब कुछ तबाह हो जाए, एक औरत के लिए सब बुरा और कुछ नहीं हो सकता। रिलैक्स। तुम कहां से आ रहे हो? वो मैं बाहर जरा टहलने आया। बाहर इतनी ठंड है, कुछ गर्म क्यों नहीं पहना? नहीं, इट्स ओके। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर ले आऊं। नहीं नहीं, एक ब्रीफ रिलैक्स। सिट सिट, मैं ठीक हूं, मैं ओके। मैं अभी तुम रेस्ट करो। Just this? अब इतनी तमीज सिखाने के लिए भी उनको रिश्वत देनी पड़ेगी? ईशान, फाइल रेडी है क्या? मैं बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो इतना गुस्सा क्यों? मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस तुमसे बात नहीं करना चाहता। बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों? तुमने जो सिद्ध के साथ किया वो वाज़न्ट कूल। मैं उससे हार्म नहीं करना चाहती थी। अपने भाई को उसकी पोजीशन से हटने की सलाह दी तुमने, ताकि तुम्हें वो पोजीशन मिल सके। तो क्या गलत किया? मैं सही कह रही हूँ ईशान। ईशान, इस घर में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ। अगर किसी से डरती हूँ तो वो तुम। मॉम डैड के बाद किसी के बड़े होने का एहसास है तो वो तुम हो। क्या तुम भी नहीं समझोगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया? हाँ, मैंने सिद्ध को कहा कि वो अनाउंस कर दे कंपनी ज्वाइन ना कर, लेकिन इसमें उसकी भी भलाई थी, उसकी भी खुशी शामिल थी। बुरा तब होता अगर उसका सपना टूटता, लेकिन अगर उसके सपने के साथ मेरा सपना पूरा होता है तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ डैड के खिलाफ किया, लेकिन डैड ने फिर भी उसकी बात मानी, उसे उसका सपना पूरा करने का हक दिया। मैं तो हमेशा से ही डैड के साथ थी, फिर मुझे मेरा सपना पूरा करने का हक क्यों नहीं दिया? 16 साल की थी, मैंने डैड से कहा कि मुझे कंपनी ज्वाइन करनी है। मुझे लगा मेरा बचपना है, मेरा शौक है, बट डैड ने मेरा सपना मुझसे छीना। प्रॉब्लम पता क्या है? तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। बहुत जल्दी रिएक्ट करती हो तुम। एक बार मेरे लिए ये जो भी हुआ है ठंडे दिमाग से सोचो कि सबके बारे में, प्लीज। अच्छा, एक काम करो, मेरे फोन को स्विच ऑफ करके रख दो, मैं अभी आता हूँ लेने के लिए। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, मैं अभी ड्राइवर को भेजता हूँ और तुम फोन उसे दे देना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अरे फॉर वंस मेरी बात तो सुन लो। देखो, मेरी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स आनी है एंड आई नीड माय फोन। अब जाओ और मेरा फोन स्विच ऑफ करके रख दो। ओके फाइन। पता नहीं क्यों चिल्ला रहा है। लिसन, मैं तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बता दूंगी। पिछले कुछ हफ्तों से हमारे बीच क्या चल रहा है, हमने क्या क्या शेयर किया है, क्या क्या डिस्कशंस कर चुके हैं हम, सब कुछ। तुम मेरे कॉल्स को अवॉइड नहीं कर सकते। आज 3 बजे मैं तुम्हारा कॉफ़ी हाउस वसंत विहार में इंतज़ार करूँगी। नीति, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं के लिए कोई ऐसे रोता है क्या? मैं गुस्सा आ गया था। क्यों? मैं कपड़े ट्राई कर रही थी, एक भी जींस फिट नहीं आ रही थी। ले, बस इतनी सी बात? ओहो, अगर थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर भी लिया तो क्या हो गया? वैसे भी तो पूरा दिन घर में बच्चों को संभालती है, घर संभालती है। इट्स फाइन। घर संभालती हूँ, बच्चों को संभालती हूँ, खुद पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। एक पैसा बात से वेट इश्यू की नहीं है, है ना? क्या प्रॉब्लम है? तो हम कॉफी शॉप जाके वहाँ पे उसको रंगे हाथों पकड़ेंगे। वो ये सब कर सकता है और हम जाके उसे रंगे हाथ पकड़ भी नहीं सकते। नीति, तू एक हुडा है और हुडा डरते नहीं है। ओके, देखते हैं ये आफ्टरनून कॉफी क्या रंग दिखाती है। चल। अभी ये हो सकती है?
तुझे कैसे पता? कुकुर ना लड़की को प्रेग्नेंट करने में उस्ताद है, मेरे पास दो सबूत है। काफी घर तो देखो, मेरा पहले ही जिन जाना चाहिए था। ये मेरा इंट्यूशन कह रहा है भाभी, यही होगी। कहाँ जा रही है तू? चल मेरे साथ नीति। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल तो हमें पूछना चाहिए, कौन है ये? ओ, अब तुम मेरा पीछा करने लगी हो? तुम ऐसा कर क्यों रहे हो इसके साथ? हाँ, क्यों कर रहे हो इसके साथ ऐसा? वाह, बताओगे मुझे? क्या लेने दो? कुकू जी, आपको पता है आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं, क्योंकि नीति जैसी लड़की आपकी बीवी है, जिसने आपसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। आपको पता है बच्चे संभालते संभालते नीति खुद को संभालना भूल गई। एक पत्नी जब अपने पति के हाथ में अपना हाथ देती है ना, तो अपना सब कुछ उसे सौंप देती है, अपना विश्वास, आने वाला कल, अपनी जिंदगी, सब कुछ। और वही पति बस कुछ पल की खुशी के लिए अपनी बीवी का विश्वास, उसका अस्तित्व सब तोड़ के रख देता है। अरे नीति की छोड़िए कुकू जी, आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके घर का क्या होगा? मैं कुछ बोलूं? ओए तू तो चुप ही रह, ठीक है ना? अब जाइए, मैं बाद में आपसे आराम से बात करता हूँ। अच्छा, कैफे में इसके साथ बैठ के रोमांस करना और खुलेआम कह रहे हो कि अपनी बीवी से कि वो चली जाए? I just can't believe this. चल यहाँ से नीति। एक सेकंड प्लीज, आप लोग मेरी बात सुनेंगे। अनुश्रुति, और मैं खुद आपके पास आने वाली थी आपके हस्बैंड की करतूतों के बारे में बात करने। गरीब है इस पानी में। एक्चुअली मुझे कुछ नहीं सुनना है, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी इनके लिए वही फीलिंग्स है। मुझे नहीं सुनना कि मैं कितनी बोरिंग हो गई हूँ। आप लोग दोनों गए उससे के साथ खुश हो तो प्लीज मैं निकल जाऊंगी बिना कोई प्रॉब्लम के। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मैं एक ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसे मैंने 23 लाख लोन में दिए हुए हैं, तो ये हाईली मिस्टेकन। बिजनेस में काफी टेंशन चल रही थी, इसलिए मैंने काफी दिनों से फैमिली फंक्शन भी अटेंड नहीं किए। जब भी आता सब लोग मेरे बिजनेस के बारे में पूछते और मेरे पास कोई ठोस जवाब नहीं था। हम दोनों की लव मैरिज हुई है, उसने कितने रिश्ते ठुकरा कर मुझसे शादी की है, तो मैं उसे ऐसे कैसे ठुकरा सकता हूँ? मुझे उसके सामने कुछ बनना है, ना कि उससे पैसे मांग कर कुछ बनना है। ओए अब क्या हुआ? ये सब ना आपकी गलती है भाभी, मैंने कहा था ना उतर जाने की कोई जरूरत नहीं है। Excuse me, आइए। पापा! ये अभी कौन फोन कर रहा है? ये ऑफिस वाले ना चैन से नहीं बैठने दे सब। हाँ ईशान, 2 दिन पहले मुझे तुम्हारा गिफ्ट मिला था, पर ये कोई और बात है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है। कौन था? था नहीं, थी। ये क्या है ईशान? कौन है ये लड़की जिसने तुम्हें मैसेज किया कि कहाँ हो तुम, कब मिल रहे हो, कहाँ मिल रहे हो? कौन है ये लड़की ईशान जिसे तुमने 2 दिन पहले ही गिफ्ट दिया? क्या तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो? एक्चुअली अगर मैं तुम पर भरोसा ना करती तो मैं यह सवाल जरूर उठाती। हम दोनों के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ट्रस्ट, एंड आई ट्रस्ट यू। हेलो, हाँ वो मैं अभी अपनी फैमिली के साथ हूँ, बाद में बात करता हूँ। किसी भी लड़की को ये सब जानकर यही लगता कि मेरा अफेयर चल रहा है, लेकिन तुम्हें एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा। तुमने मुझ पर एक बार भी शक नहीं किया। अगर तुमने ये शक किया भी होता तो मुझे इसे दूर करने में एक पल नहीं लगता। पर यह अफेयर तो बहुत छोटा शक है, मेरा राज तो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जिस दिन तुम्हें वो राज पता चलेगा, बाकी हर कोई गुनाह माफ कर दोगी तुम मेरा प्रीत, मगर इस राज को नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।